नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अक्सर हमलावर रहने वाले प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर आज दोनों को खूब सुनाया है। हालांकि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खूब सुना चुके हैं। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते। प्रशांत किशोर ने अभी जो हालिया उनका बयान है, उन्होंने कहा कि अगर फेविकोल का कोई किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो वो नीतीश कुमार को बना देना चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। गठबंधन कोई भी हो, सरकार रहे जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ललन सिंह आज मोर्चा संभाले हुए थे और उन्होंने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर को खूब सुनाया है। प्रशांत किशोर को लेकर आरसीपी सिंह ने, माफ कीजिएगा, ललन सिंह ने कहा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रशांत किशोर व्यवसायी हैं, वो सेल्समैन की तरह घूम घूम कर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और अगर व्यवसायी सेल्समैन की तरह घूम घूम कर देश भर में घूम घूम कर अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो उसकी बिक्री नहीं होगी। तो प्रशांत किशोर को लेकर यह कहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कि प्रशांत किशोर की बातों का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह भी आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के निशाने पर थे। ललन सिंह ने यह फिर दोहराया कि आरसीपी सिंह तो स्टाफ थे, आरसीपी सिंह स्टाफ थे और आरसीपी सिंह पर क्या कहा जाए, आरसीपी सिंह को लेकर क्या बोला जाए। ललन सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, आरसीपी सिंह राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, आरसीपी सिंह की ट्रेनिंग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं है रही है, वो स्टाफ रहे हैं और आरसीपी सिंह मीडिया में बाइट देते हैं, बयान देते हैं, आप लोग उनको खूब नोटिस लेते हैं, बाइट लेते हैं, तो उनको बाइट देने लायक बनाया किसने? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बाइट देने लायक बनाया है। और वो कहते हैं कि संगठन का हम काम देख रहे थे, तो संगठन का काम क्या देख रहे थे? यही तो वो काम देख रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ललन सिंह ने कहा है इस अंदाज में कि यही तो वो संगठन का काम देख रहे थे कि राज्यसभा के सदस्य बन गए और खुद से जाकर मंत्री बन गए। तो आरसीपी सिंह पर यह हमला, प्रशांत किशोर पर यह हमला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, दोनों को आज जमकर सुनाया है। दोनों के आरोपों पर, दोनों के हमलों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।